दिल्ली टू मनाली, मनाली से जाएंगे हम लोग लद्दाख। तेज चला रहा हो तो बाप रे, मरते मरते बच रहे हैं मेरे पीछे। भाई एयर फिल्टर डलवाना है बेटे, ज्यादा खींचेगा तो यही होगा ना हाल। भाई क्या सुधर रोड है यार, थोड़ा थक गया तो यही लेट गया। जिंदगी के मजे ले रहा है सारे, बस सारा सामान ही मेरी बाइक पे अकेले टंगा हुआ है, स्ट्रेस सारा कीचड़ वाला। के 4 बज रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो 3:57 हो रहा है। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से मुरथल के लिए, और मुरथल से हम लोग जा रहे हैं ले लद्दाख अपनी कावासाकी Z900 पे। और ये है हमारा सेकंड टाइम, ग्लव्स मेरे भानु ले चुका है, तो भानु निकल गए आगे, सर्विस करा लिया, नया एयर फिल्टर ले लिया जो कि चंडीगढ़ जाके चेंज होगा। अभी बस मेरे को ना थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है कि मेरा पीछे वाला जो सामान है ना लगेज है, वो कहीं पे लूज ना हो जाए। पर हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टू मनाली, मनाली से जाएंगे हम लोग लद्दाख। अब 5 बंदे ऐसे जाएंगे फुल ऑन मस्ती वस्ती करते हुए। अभी पेट्रोल एक बार जस्ट फुल करा लेता हूँ मैं। फुल कर दो, लगा दो ऑटो कट। भाई यहाँ पे ना ये छपरी मेरे को मिल गए, और भाई साहब इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना, मतलब मैं स्लो चल रहा तो स्लो चला रहे हैं, तेज चला रहा तो तेज चला रहे हैं। अब देखो मैं स्लो करूंगा ना तो ये भी स्लो करेंगे। अरे इतना इरिटेट कर दिया यार, मतलब पीछे देख देख के चला रहे हैं। मैं भगाया ना अभी तो ये मेरे पीछे डेड भगाने लग गए। ऊपर से मेरे ग्रुप वालों ने भाई साहब ठस्सा मारा है। मैंग भैया ने ना कुछ सामान दे रखा था इसको, भानु को दे रखा था, पहले मैं उठाऊंगा वो सामान और उसके बाद फिर नॉन स्टॉप मारूंगा मैं सीधा चंडीगढ़। मैं ना ये सब नहीं बिलीव करता कि भाई यार बंदे को जो है ना अकेला छोड़ के निकल जाओ राइड पे। मैं 1 घंटा रुक लूंगा बंदे के लिए कि भाई आने वाला होगा आने वाला होगा। बाकी हम लोग जो है ना दिल्ली बॉर्डर कब का क्रॉस कर चुके हैं, दिल्ली को हमने कर दिया टाटा बाय बाय। सुबह जो है 4:52 मतलब 5 बज चुका है। अ फ्यू इंचेस लेटर अभी पानीपत टोल क्रॉस कर लिया, भानु वगैरह सबके साथ जो है ना हम लोग मिल लिए, और ग्लव्स मैंने अभी ना लिए नहीं है क्योंकि ग्लव्स जो है भाई टाइम हो रहा था निकलने के लिए, तो मैंने कहा पहले निकल जाता हूँ। रेन कवर मैंने निकाल लिया और बैग मैंने ना सेट कर दिया वापस तरीके से। अब बस खींचता हुआ जा रहा हूँ, बैग वगैरह बहुत टाइटली सेट हो रखे तो अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले लोग कह रहे थे कि भाई ये तो तेज चलता ही नहीं है, अब देखो बेटे रोक के दिखाओ हमें। मैं भी बस खींचता हुआ जा रहा हूँ इन लोगों के पीछे, क्योंकि अब जो है ना अपने को टापनी है भाई तेज तेज 100-140 की स्पीड लगा के चल रहे हैं अभी। चलो भानु को क्रॉस मार रहा था हूँ। भाई पूरा हाईवे खाली है, मेरे ग्लव्स अभी मेरे हाथ में नहीं है, पर डोमिनो ग्रिप का ना भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक्स टू आलम भैया हमारे, जिन्होंने ना हमारी जो है डोमिनो ग्रिप अरेंज कराई। आई होप मेरा साउंड बहुत क्लियर आ रहा होगा। और अभी भाई भानु बच गया बिल्कुल, एकदम से गाड़ी ने ना ऐसे काटी है इसके सामने। हम लोग ना कंटिन्यूस 140 150 140 150 चला रहे हैं। लगभग हमें 15 मिनट लगा करनाल क्रॉस करने में। मेरी बाइक में ना थोड़ा सा सामान ज़्यादा है, हल्का सा सामान वहाँ पे भी जाके कम हो गई। अब जहाँ पे भी मैं नेक्स्ट स्टॉप लूंगा ना मैं आपको सीधा वहीं पे मिलता हूँ, क्योंकि ना अभी रास्ता भी कवर करना है। बैटरी भी मेरे कैमरे की ना खत्म ही हो चुकी है, सारे आगे निकल चुके, मैं हूँ सबसे लास्ट। भाई यहाँ पे पेट्रोल का इशारा आ चुका है कि पेट्रोल भरवाना भानु की बाइक में। बेटे ज़्यादा खींचेगा तो यही होगा ना हाल। और यहाँ पे चल रही 900 ड्यूक 390 और डोमिनार और 900। अब जो है इशारा हमें मिल चुका है, अब यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा ना, मैं पैर वैर को भी हल्का सेट कर लूँगा और मैं ग्लव्स निकाल लूँगा इससे। मैं कह दूंगा भाई ग्लव्स निकलवा दो ताकि जो है ना हाथ कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि हाथों पे ना पत्थरों की पट 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 बज रही है। मेरी बाइक अभी चलेगी, इसका पता नहीं कैसे इसने मेरे को लग रहा भरवाया नहीं होगा घर से। मैं तो अभी करवाने नहीं वाला, मैं सीधा कराऊंगा चंडीगढ़ वाले स्टॉप पे और वहाँ जाके फुल होगी मेरी बाइक। और जब से मैंने फ्रंट टायर चेंज करा ना भाई, जो फील आ रहा है ना उसको चलाने का, वो अलग ही आ रहा है। ऑल राइट बॉयज, यहाँ पे जो हम लोग आ चुके हैं, तो ये खड़ी 900, ये खड़ी 900, वो खड़ी भानु की बाइक, वो और एक और दो बाइकों में पेट्रोल हो रहा है फुल। हम दोनों की बाइकों में अभी भी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र को, क्रॉस कर लिया है, और अभी पापा को जरा लाइव लोकेशन भी भेजनी है मेरे को। दिन होना शुरू हो चुका है, नॉनस्टॉप जाना है, बस एक जगह मेरे को जाके ना भाई एयर फिल्टर डलवाना है KNN का, जो कि मैं लेके आया हूँ। तो मैं ना घर पहुंचूंगा जल्दी जल्दी शिखर भैया के पास और एयर फिल्टर डलवाऊंगा। मे बी शिखर भैया भी चलें, क्योंकि भैया का प्रोग्राम बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है। और पीछे का मौसम देख लो कितना सुंदर सुंदर है, और यहाँ देखो फोटो सेशन शुरू हो चुका है। तो बस जल्दी जल्दी कवर करते हैं, कैमरा मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, थका हूँ। 6:48 टाइम हो रहा है, तो उस हिसाब से भाई सही चल रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि बारिश हो गई थी और मैं थोड़ा सा लेट आया भी था, बट कोई बात नहीं। अराउंड जो है 170 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है, और क्या लग रहा है यार व्यू देखो। भाई अभी निकले लॉन्ग राइड पे टुवर्ड्स लद्दाख, और दिल्ली से जा रहे हैं। 4 लोग हैं, 4 बंदे, 4 दोस्ती यारी बिल्कुल जा रही है, फुल ऑन हरकतें करते हैं। और यहाँ देख लो टूल किट के साथ, जो कि जो है भानु भाई ने इस बार कैरी करी है, पूरा शीशा वगैरह सब। ट्रिप पे करता हूं। ब्रो हाउ मच, कितना पे करना चाहिए आपको?
दो लाख, पांच लाख, दस लाख, सात करोड़ सात करोड़। तो भाई अभी जो है हम लोग ना निकल चुके हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया। हम लोग ना लगभग जो है कितने 7 बजे के आसपास हम लोग जो है रुके थे, और 1 घंटा हम लोगों ने ना टाइम लगा दिया रुकने में, और आराम से हम लोग ना पूरा जो है अच्छे से रेडी हो गए। तो अब ना नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। एक जगह मेरे को रुकना है, शिखर भैया को ना कुछ सामान देना है, और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा आगे, और मे भी शिखर भैया मेरे को ज्वाइन करेंगे मनाली के वहाँ पे आसपास। थोड़ा क्वालिटी में मे भी फर्क आया होगा क्योंकि मैंने एनडी फिल्टर भी लगा दिया है। थैंक्स टू हमारे जो है महंग भैया, उन्होंने मेरे को लोन रेंजर के अपने ग्लव्स दे दिए ताकि मैं जो है ना आराम से रोड ट्रिप कर पाऊँ। वो बहुत कंफर्टेबल ग्लव्स है, मेरे को मजा आ रहा है, उससे ना हवा भी इतनी ज़्यादा पास नहीं हो रही है। तो जैसा भैया ने बताया था वैसा ग्लव्स था, अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो यार, मैं कहा बोल दिया जाए, आपको बताया जाए कि बढ़िया ग्लव्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टच पैड भी काम करता है, तो मेरे को सबसे बेनिफिट हो चुका। अराउंड 180 किलोमीटर हम लोग क्लॉक कर चुके हैं। तो चलो पहले एक बार बस चंडीगढ़ एंटर कर जाए। फ्रंट टायर में नया डाल दिया, K&N का फिल्टर मेरा बैक में पड़ा ही है, तो वो भी जल्दी डलेगा। सारी चीज़ें जो है मेरे को एंड मोमेंट पे मिल गई है। कितना 190 किलोमीटर क्लॉक कर लिया हमने, 50-60 किलोमीटर और करना है हमें। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका बिल्कुल थकाने वाला। अभी बाइक का मैं रास्ता देख रहा हूँ कि कहीं से यहाँ से चढ़ जाए ना तो मैं निकाल लूँ, क्योंकि आगे पूरा खाली है और यहाँ से कोई रास्ता दिख नहीं रहा, और मेरी बाइक चढ़ नहीं सकती ना अभिषेक की चढ़ेगी। पहले इन्होंने क्या बना रखा था ना, बीच में छोटे छोटे डेड कट बना रखे थे जहाँ से हम लोग बाइक टाप सकते थे, पर अब वो कट्स जो है कर दिए इन्होंने बंद, जिसकी वजह से अब हम लोग नहीं निकाल सकते बाइकों को। ये आतंकी है देखो कहाँ चढ़ा के ले गया। हम तो भाई ऐसा रिस्क ना ले अपनी बाइकों से, ट्रैफिक हो गया बहुत ज्यादा चंडीगढ़ एंटर करने से पहले ही, और मेरे पैरों की नसें भी चढ़े जा रही है बार 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 बार। भाई अभी जो है हम लोग यहाँ पर आ दिए, और ये पता नहीं कौन सा रोड है, थके हुए हैं बिल्कुल। अभी दो बाइकें और आनी है, और वो आने के बाद जो है हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। ये बंदा भाई घोड़ा बना के चल रहा बाइक को, पूरा खड़ा हो गया और बाइक जो है कूदते हुए निकल रही है मिट्टी में, और ऐसी मिट्टी पे जहाँ पे बंदा फॉर्च्यूनर नहीं डाल रहा, ये बंदा इसको लेके घूम गया और विद लगेज और फुली लोडेड। हाँ ये भानु का लगेज है, ये अभिषेक का जो जिसकी व्हाइट जीन ऑसो है, ये शिखर भैया का है जो कि भैया ने लेना है अभी, और फुली लोडेड बाइक है भाई, और मैंने फ्रंट में नया टायर डाल दिया था भाई। मजा आज की राइड पे, कितना सुंदर व्यू है, और लगभग रीचिंग टाइम हमारा जहाँ 4:15 का होगा। फुल टैंक मैंने एक बार करा लिया, और बाइक ने एवरेज दिया था लगभग 1920 का एवरेज दिया था, और बाइक चली थी 258 किलोमीटर प्रॉपर। ऑफिशियली भाई हम लोग जो है अब हिमाचल के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। बाइकों का तो टोल वोल का देना कुछ का ज्यादा सीन पड़ता नहीं है। ये निकल गया हमारा टोल, और ये हो गए हम फारिक, बिल्कुल सीधा सीधा निकलते चले जाएंगे, और यहाँ से चढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। यार ये वाला पैच मेरे को ना सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, इधर भी हरियाली, और ये देखो ये आ भी गया इतनी जल्दी। मेरे से पता है कितने 5 किलो या 10 किलोमीटर पीछे था ये अभी 5 मिनट पहले, और ये 5 मिनट के अंदर आ भी गया। अरे भाई 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 थोड़ा प्यार से बानू, मैं ना निकलना नहीं चाहता गलती से इनके बीच में से निकला, और जगह नहीं हुई ना इतनी ज्यादा तो जो फंस जाऊंगा। पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी है, ये आ गया, ये कैमरे का वेट कर रहा था। भाई तू कितनी लीनिंग मार रहा है बे, ऐसे 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 जा रहा है, ओ तेरी तो प्रोफेशनल है ना, काफी ज्यादा टाइम से राइड कर रहा है, और ऊपर से डोमिनार जैसी बाइक पे हाथ बैठने का मतलब तो भाई लीनिंग भाई बंदा कर ही जाता है। एक बार ना फ्रंट टायर से कॉन्फिडेंस मिल जाए ना प्रॉपर तरीके से, फिर मेरे को भी जो है ना हल्का सा टिल्ट करने में बाइक इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। अभी एक्चुअल में ना पीछे वेट भी है, और उसकी बाइक पे भी वेट है, तो इसी की वजह से बस वो थोड़ा सा कर जा रहा है, मैं नहीं करता इतना ज़्यादा। व्यू एंजॉय करने का बहुत मज़ा आ रहा है, काश सामने कैमरा लगा होता ना तो और बल्ले बल्ले हो जाती, पर अब जो है लगाएंगे। एक बार जो है मनाली पहुँचे, और मनाली से हम लोग सामान लेके थोड़ा बहुत। क्या हो गया भाई, गर्मी डिहाइड्रेशन हो रही थी ना, 36 घंटे ऊपर से इतनी तीखी सर पे धूप पड़ रही है ना। यहाँ पे भाई ठंडा ठंडा ये जो है नींबू लिया जा रहा है ताकि जो है थोड़ी एनर्जी आ जाए। क्यों भाई, लीनिंग तो भाई एक नंबर है भाई, पसंद आ रही है ना लीनिंग इसकी तो बताओ, बहुत प्यारी प्यारी मार रहा। स्क्रैच करा था ना तूने पैड, अब बस पहले ये पीते है भाई। टनल आ चुकी है यहाँ भी पहली, 3 टनल है, गधा है गधे गधे। ये देखो ये खुश हो रखा पूरा, मनाली 182 खींच जाएंगे। इस
तो जहाँ लीन की रोड मिल जाए ना वहीं खींच जाता है भाई। यहाँ पर हम ना बिल्कुल टूट चुके थे, 100 किलोमीटर बचा मनाली और यहाँ दोनों बाइक है। ये भाई साहब थोड़ा थक गया तो यहीं लेट गया, थोड़ी देर में निकलेंगे। मैंने हेलमेट इसलिए नहीं उतारा क्योंकि यार ना बार बार पहनना बहुत एक दिक्कत होती है। बट अगर आपको व्यू दिखाओ तो ये देखो, यहाँ से पूरे जो है पहाड़ी वाड़ी शुरू हो चुकी है। बाइक भी अपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, साथ में यार बढ़िया सा यार फ्रेम आ रखा है। भानु एक पोज दियो बढ़िया सा। अबे यार ये देखो क्या है, मतलब मेरा पूरा वीडियो की ना बैंड बजाने में सबसे ज्यादा हाथ ना भानु भाई साहब का होता है। खाना पीना खा लिया, रेस्ट वगैरह ले लिया, हल्की हल्की नींद ऐसा आने लगी थी और मेरे को भी, क्योंकि हम लोग ना रात में काम वाम में इतना ज्यादा बिजी रहते रहे कि भाई बस पता ही नहीं चलता। मौसम देखोगे ना आप सामने भी ठंडा होने लग गया, तो एटलीस्ट जो है जैकेट में इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। जा भाई तू ही जा, ये देखो घुसेगा कहीं ना कहीं जाके। यहाँ पर ना स्पीड कैमरे भी लग चुके हैं, तो डबल साइड इंडिकेटर अभी फिलहाल भानु ने जलवा दिए मेरे। यहाँ पे पहली बार मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ ना स्पीड कैमरे हैं इतने ज्यादा। वैसे बता रहे थे कि यहाँ 60 की स्पीड चलती है। ये देखो क्या बढ़िया व्यू है यार। लेफ्ट लेना भाई, लेफ्ट लेना है भानु, सामने वहाँ जाएंगे तो बिलासपुर आ जाएगा। यहाँ से मैं जो है ना अभी कुछ 3-4 महीने पहले भी आया था बस से। पिछली बार आया था ना तो ये वाला सिंगल रूट तो था, पर यहाँ पर ना ये डाइवर्जन जैसा भी बना रखा था, अभी इन्होंने बना दिया। मे बी फॉर सेफ्टी रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो यहाँ पे ना स्पीड कैमरे स्टार्ट कर दिया तो जो है ना बाइक को चलान कट सकता है। देखो मेरी यहाँ पे स्पीड है 45, ये देखना लास्ट मोमेंट तक ट्रैक करेगा और उसके बाद फिर स्पीड अभी थोड़ी दिखाई, पर बाद में पहले दिखा रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है मनाली जाते जाते मेरे हिसाब से जो है, पर चलते रहते कोई फायदा नहीं है, रुकेंगे फिर आधा घंटा बर्बाद होगा। रेन लाइनर्स वैसे हमारे सामने ही रखे हैं, बट अगर एक बार स्पीड डाउन करी ना तो हो जाएगी दिक्कत, तो इट्स बेटर कि वहाँ से ना चलते रहो। 50 किलोमीटर है याद रखना, चाहे बाइक से आ रहे हो चाहे गाड़ी से आ रहे हो। कैमरा जस्टिस ही नहीं कर सकता कि कैसी रोड्स है और कितनी लीनिंग कर रहे हैं हम लोग। सिंगल हैंड लीन कर ले रहा भानु उसको, सुंदरता का मजा ले रहे हैं हम लोग बस। हल्के हल्के गाने लगा रखे हमने इंटरकॉम पे, रोड्स बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, क्योंकि कंडीशंस पहले थी थोड़ी यहाँ बारिश वारिश और ऐसा वैसा कुछ। अब तो देखो कितना हरियाली आ चुकी है, आपको सामने दिख रहा होगा कैमरे में तो जरूर बताना। और लद्दाख सीरीज को बहुत प्यार देना अपना, पिछली बार हम लोग गए थे जम्मू से लद्दाख करा था हमने, और इस बार मनाली से लद्दाख करेंगे और फिर हो सकता है सेम रूट से ही वापस आए, क्योंकि ये रूट ना छोटा पड़ता है। मेरे कैमरे की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, चार्जिंग पे लगा देता हूँ। अभी 140 किलोमीटर चल चुकी है और 248 की रेंज जो भी दिखा रही है बाइक, आराम से जो है मैं मनाली भी पहुंच जाऊंगा, उसके बाद भी थोड़ी बहुत चल जाएगी। वहाँ पे पहाड़ों में ना एवरेज डबल हो जाती है। मनाली का रास्ता बंद हो रखा है तो हमें ना यहाँ से रूट लेके चेंज करना पड़ रहा है। ये वाला पूरा हाईवे बंद कर रखा है और भानु यहीं पे ऑफ रोडिंग के मजे लेना शुरू कर दिया। तू सही है साले, तू मजे लेता रहा पूरे आसमान के, तू जिंदगी के मजे ले रहा है सारे। मैंने इसलिए भी क्लिप बना दी इनकेस अगर आगे कोई हमें रोके कि यार रॉन्ग आ रहे हैं वो, तो सिंपल सा हमारे पास बोलने के लिए रहे कि सर यहाँ पे जो है रूट बनता है इसकी वजह से हम लोग यहाँ से आए हैं। ये है स्ट्रेच सारा कीचड़ वाला। मेरा लगेज इतना ज्यादा हैवी है ना कि मैं थोड़ा सा तसल्ली से निकालना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ऊपर से मेरे सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है और ओह कच्ची रोड बनाई गई है। ओह कहाँ जा रही है भाई, कहाँ जा रही है 900। अब हो रही है बाइक गंदी और गरम क्योंकि सामान भी बहुत सारा है। ये चीज़ अच्छी होती है भाई जब आप ना ग्रुप्स में होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ना मतलब स्टार्टिंग में एक होता है एक दूसरे को जानने में, पर बाद में क्या होता है ना सारे एक साथ ही चल रहे होते हैं, कोई किसी को ना ज़्यादा छोड़ के नहीं आता। भानु जैसे आगे निकल गया तो इसमें मेरा वेट कर लिया, सबसे बढ़िया चीज़ लगी मेरे को अभी ये। बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है यार अब तो, पर हाँ कोई बात नहीं, रेस्ट ले लिया। 100 किलोमीटर लगभग बचाए, 118 किलोमीटर खींच जाएंगे और थोड़ा सा है। आधे घंटे का ब्रेक हमने ले लिया, शेकी वगैरह ने भी जो है वो भी हमारे साथ ही हो गए क्योंकि अब जो है उन्होंने 2 घंटे का ब्रेक लिया आराम से, वो लोग तो बहुत थक गए थे। हॉर्न अभी सिंगल वाला चल रहा है, कोई बात नहीं दूसरा हॉर्न भी कनेक्ट कर ही देंगे। अपने जो है होटल स्टे वगैरह देख लेंगे और कल सुबह की प्लानिंग हो रही है कि निकल जाएं। गलत ही सीन भाई साहब, अलग ही सीन है। अरे बाबा यहाँ तो ऑफ रोडिंग है, खड़े हो नहीं सकता क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वेट हो रखा है। ये दोनों तो खड़े होकर निकालते जाएंगे सैडलिंग करते हुए, बट मैं थोड़ा सा रुक के ही जा रहा हूँ। इस टाइम पे ना बाइकों पे ब्रेक भी नहीं मार सकता, वो तो अच्छा है कि टायर्स अपनी ग्रिपिंग पूरी पूरी करवा रहे हैं थैंक्स टू ब्रिजस्टोन मेरे टायरों का, जो एटलीस्ट ये ऑफ रोडिंग पैच जो है निकलवा दे रहे हैं। और मेरी वाली बाइक में ऑलमोस्ट मेरा सारा ही लोड है, जो ड्यूक है ड्यूक पे भी थोड़ा सा शेकी का जो है लोड है, तो उसी के से उसको कंफर्टेबल ज़्यादा है। मेरे को थोड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि यार मेरे वाले में मेरा सारा सामान ही
मेरी बाइक पे अकेले टंगा हुआ है, कीचड़ कीचड़ हो रखी है यहाँ पे भी। घर वालों को भी अपडेट कर ही दिया है मैंने, और देखते हैं फिर वापस ही कहाँ से जाएंगे। शाम का इस व्यू के साथ भाई हम लोग जो है ना इस एक लोकेशन पे रुके, और कितनी सुंदर सी लोकेशन है यहाँ पे देख लो। ये पूरा हाईवे जा रहा है मनाली की तरफ, और रात के टाइम में कितना शांत होता है। ये अपने चारों का लाइनअप है। अभी कल शायद हो सकता है एक बाइक और ऐड हो जाए, मे बी। और तेरा तो चेहरा पूरा भाई काला पड़ गया, नींद भाई तेरे। हाँ तेरे को नींद भी बहुत आ रही है। और ये देख लो क्या सेक्सी लग रही है लाइनअप। मैंने जो है ना ब्लैक वाला वो निकाल के रख दिया फ्रेम, तो बस अब भागते हैं यार। ये अपनी कुछ बाइक लग रही है साइड से, ये देखो, और वो और ये। चलो भाई यहाँ से ज़्यादा ये देख लो पूरा व्यू कितना सुंदर सा है, तो बढ़िया सा व्यू है। ये मिरर KTM के लगा रखे हैं भाई, क्वालिटी इनकी ज्यादा बेटर है ओरिजिनल मिरर से। ये रास्ता बहुत पहचाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि वहाँ एक कट आया था और वही कट मैंने शायद लिया था। अब पता नहीं मेरे को जो है बाइक से, नहीं, हाँ ये मनाली वाला ही रास्ता है, मैं बाइक से आया था ना रेंट करके, तब मैंने करा था यहाँ पे। यहाँ पे आके फिर से हमने एक स्टॉप ले लिया, 14 किलोमीटर मनाली बचा है अभी, और हम लोगों ने बस ऐसी है कि यार थोड़ा सा ब्रेक ले लिया शेकी, और सचिन जो है वो दोनों हमसे कितने 4-5 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं, और हम लोग आगे चल रहे हैं। और ये व्यू कुछ ऐसा है, अभी आंखों में नींद है, कुछ 36 घंटे की बात कर रहा है, उठा दिया यार, अभी नहीं बाद में, थकान हो गई बहुत ज्यादा। ये देखो अभी यहाँ पे भाई हमें ना रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ना पहले फ्रंट से आएगा, मतलब सामने से जो है सारा ट्रैफिक आएगा, फिर हमें रिलीज करा जाएगा। पता नहीं दिखेगा नहीं अभी, वैसे यहाँ सारा प्रेशर से पानी जा रहा है, ये बिल्कुल थक चुका है, टूट चुका है बिल्कुल थक के। अब वहाँ से ट्रैफिक बस सारा छोड़ा जा रहा है, और मौसम भी बहुत बढ़िया सा हो रखा है, बाइक रिजर्व पे चढ़ गई है। A few inches later. थैंक यू भाई, इतनी प्यारी लाइटें दे रखी है भाई साहब, बंदे ने क्या सॉलिड लाइट्स लगा रखी है, हमें सब कुछ दिख जा रहा है। और ये देखो यहाँ का रास्ता ना, ये सारा का सारा ना प्रेशर से टूटा था, तो अब ये वाला वर्क जो है ऐसा कर दिया कि वन साइड से ट्रैफिक खोला जा रहा है, और वन साइड से ट्रैफिक जो है बंद कर देते हैं, एट अ टाइम जो है ना ट्रैफिक को खोला जाता है। और मेरी बाइक भी रिजर्व पे चढ़ चुकी है, तो अब जो है बाइक में किलोमीटर देखते हैं कितना रेंज आ रहा है। बाइक का रेंज अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा चलने पे दिख जाएगा कि कितना रेंज है, बट बाइक ने एक फुल टैंक पे 270 किलोमीटर निकाल दिया। अब जो है बाइक जो है सीधा जो है फुल होगी जब अपन निकलेंगे लेह लद्दाख के लिए, अगर जिसको इस टाइम पे आना ना आ सकते हो भाई, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा बिल्कुल। मनाली भी पहुंच ही चुके हैं। तो ये वाला व्लॉग कैसा लग रहा है आपको, जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब, और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ, स्टे सेफ, दिस इज SD साइनिंग ऑफ विद भानु। चलो करते हैं यहीं पे व्लॉग एंड, बाय बाय एंड बाय। भाई मेरा पैर गया। ओके, कितने का चलन?